हेलो दोस्तों, लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के लेक्चर 4 में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिलें भी मिल जाएंगी। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिलें भी मिल जाएंगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ सीखने और सिखाने का सिलसिला को आगे बढ़ाते। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्डाइज्ड वर्क एंड विजुअल मैनेजमेंट के बारे में। स्टैंडर्डाइज्ड वर्क क्या है आप स्क्रीन पे देखते चले। स्टैंडर्डाइज्ड वर्क इज आवर प्लेबुक, द सेफेस्ट, इजीएस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ डूइंग द जॉब दैट वी करेंटली नो। मीन्स आपको एक प्रोसेस है या प्रोसीड्योर है जो कि सबसे ज्यादा सेफ है, इजी है करने के लिए एंड मोस्ट इफेक्टिव है। अभी जितना प्रोसेस जानते हैं उसके कॉन्टेस्ट में, मींस आगे क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता ना। आज के समय में किसी कार्य को करने का जो बेस्ट तरीका है वो आपका स्टैंडर्डाइज्ड वर्क। इंप्रूवमेंट इज एंडलेस एंड इटर्नल। इंप्रूवमेंट एंडलेस है। आप हो सकता है आज उस प्रोसेस को फॉलो करते करते इसमें कुछ कमी को जान पाए, आप कुछ समझ सके कि अगर इधर हम इम्प्रूवमेंट करेंगे और प्रोसेस को रोबस्ट बनाया जा सकता है, इफेक्टिव बनाया जाता है, इजी बनाया जा सकता है, सेफ बनाया जा सकता है, तो आपका स्टैंडर्डाइज्ड वर्क को भी चेंज किया जा सकता है। बट जब तक वो अननोन है तब तक आपका स्टैंडर्डाइज्ड वर्क ही बेस्ट वे है ऑफ डूइंग दैट टास्क। कुछ पॉइंट है, देयर इज नो वन बेस्ट वे टू डू द वर्क। मीन्स किसी कार्य को करने के लिए कोई एक बेस्ट तरीका नहीं और ये कभी नहीं हो सकता। वर्कर शुड डिजाइन द वर्क। वर्कर को वर्क को डिजाइन करना चाहिए कि कैसे करने में उन्हें सहूलियत है, कैसे साइकिल टाइम को कम किया जा सकता है, कैसे अपना कार्य को ज्यादा सेफ बनाया जा सकता है, ये वर्कर को डिजाइन करना चाहिए। द पर्पस ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड वर्क इज टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर इम्प्रूवमेंट। मीन्स आप अगर इम्प्रूवमेंट करेंगे तो उसके लिए आपको एक कोई बेस मार्क चाहिए ना। अगर आप आज 40 जॉब बना रहे हैं इस मेथड को फॉलो करते हुए, वो आपका एक स्टैंडर्डाइज्ड वर्क हुआ, वो आपको एक बेस दिया कि आप अगर 42 बनाते हैं क्वालिटी मेंटेन करते हुए, सेफ्टी को मेंटेन करते हुए, तो आपका नया प्रोसेस मींस ज्यादा बेटर है, वो आपका नया स्टैंडर्डाइज्ड वर्क बन सकता है। मींस आपका जो करंट स्टैंडर्डाइज्ड वर्क है वो आपको एक इंप्रूवमेंट के लिए बेसलाइन देता है। आप इंप्रूवमेंट कीजिए बट ऐसा कीजिए जिससे 40 से 42 बने, 40 से 39 नहीं बन हो जाए। Even our best process are full of muda. Muda means waste. हमारा जो बेस्ट प्रोसेस है उसमें भी वेस्ट ही वेस्ट है, वेस्ट भरा हुआ। जब हम लोग 8W पढ़ेंगे तो वेस्ट जब समझेंगे तो आपको लगेगा कि मैं यहां सही कह रहा हूं। Therefore, standardized work constantly changes. Standardized work change होते रहते हैं। जैसे जैसे हम उस वेस्ट की पहचान कर पाते हैं, उस वेस्ट को एलिमिनेट करते हैं और हमारा स्टैंडर्डाइज वर्क चेंज होते हैं। लीन सिस्टम स्टैंडर्डाइज्ड वर्क इज फोकस्ड ऑन ह्यूमन मूवमेंट। हमारा जो लीन सिस्टम है, देखिए सबसे ज्यादा जो ऑपरेटर एक जगह से दूसरा जगह मटेरियल मूवमेंट के लिए या किसी भी वजह से जॉब चेकिंग के लिए भी मूवमेंट करता है वो भी एक वेस्ट है, बहुत बड़ा वेस्ट है। हमारा लीन सिस्टम उस पर बहुत ज्यादा फोकस करता है। वी सी टू डेवलप पीपुल सेंटर्ड प्रोसेस। मीन पीपुल को सेंटर्ड रखते हुए अपना प्रोसेस को डिजाइन करने की कोशिश करते हैं, दैट फ्लो स्मूथली एंड सेफली। मीन्स ऑपरेटर अपने जगह पे है, डिजाइन ऐसा होना चाहिए कि मेटेरियल का फ्लो वहां तक हो, ना कि आदमी मेटेरियल को लेने के लिए दूसरी जगह पे जाए। आवर मेजर ऑफ एफिशियंसी इज लेबर डेंसिटी। कैसे चेक करते हैं, मेजर करते हैं, लेबर डेंसिटीज। तो लेबर डेंसिटी इज इक्वल टू वर्क बाय
मोशन, तो आपका वर्क कांस्टेंट है, मोशन ज्यादा हो रहा है तो क्या होगा, आपका लेबर डेंसिटी कम हो जाएगा। कस्टमर डिमांड डिटरमाइंस द न्यूमरेटर, आपको वर्क कैसे डिफाइन होगा, तो कस्टमर से, कस्टमर जितना डिमांड देगा, अगर कस्टमर ज्यादा जॉब का रिक्वायरमेंट दे रहा है तो ओवरऑल वर्क, किसी एक ऑपरेटर के वर्क ने ओवरऑल वर्क जो है वो बढ़ेगा। सपोज आपको इस मंथ 1 लाख पीसेस का ऑर्डर है, तो जो वर्क होगा नेक्स्ट मंथ अगर 2 लाख पीसेस का वर्क ऑर्डर आया है तो आपका वर्क वहां पे डबल हो जाएगा। टोयोटा अप्रोच इज टू कंटिन्यूटली रिड्यूस द डिनोमिनेटर, अब आपको लेबर डेंसिटी कॉन्स्टेंट रखना है, वर्क अगर बढ़ता है या वर्क अगर कॉन्स्टेंट है, वर्क तो कस्टमर डिपेंडेंट है, आप तो उसमें कुछ कर नहीं सकते, तो इंप्रूवमेंट के लिए आप क्या कर सकते हैं, मोशन को कम कर सकते हैं। सेकंड आइए हम लोग समझते हैं क्या है विजुअल मैनेजमेंट। लीन इज अबाउट मेकिंग द प्रॉब्लम विजिबल, लीन से प्रॉब्लम को विजिबल करने में ही इसकी कोशिश रहती है, कि प्रॉब्लम तो है सिस्टम में, वेस्ट है, प्रॉब्लम है, बहुत कुछ, बट उसको विजिबल करना है। यू कांट फिक्स व्हाट यू कांट सी, आप उस चीज को ठीक नहीं कर सकते हैं जिसको आप देख नहीं सकते हैं। वेस्ट है सिस्टम में बट आपको पता ही नहीं है, तो आप कैसे वेस्ट एलिमिनेट करें। तो वेस्ट को एलिमिनेट करने के लिए वेस्ट का दिखना जरूरी है, उसको उजागर होना जरूरी है। दिखना मीन्स किसे, मैनेजमेंट। हियर आर द 4 लेवल्स ऑफ विजुअल मैनेजमेंट इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग पावर। क्या है लेवल 1, टेल्स ओनली, यह लोएस्ट पावर का, क्या कहते हैं समझिए। विजुअल मैनेजमेंट इन मेनी ऑर्गेनाइजेशन गेट्स स्टक एट लेवल 1, बहुत सारी कंपनियों में लेवल 1 में ही मेरा विजुअल मैनेजमेंट अटक जाता है। ये सिम आपको साइन देता है, प्रोसेस को स्टॉप नहीं करता है। कैसे, साइन इज टेलिंग पीपुल व्हाट टू डू और नॉट टू डू, मीन्स आपको एक जेबरा क्रॉसिंग है, आपको एक साइनेज है कि आपको यहां से पार करना। सपोज कोई व्यक्ति उसको फॉलो नहीं कर रहा, तब क्या है, लेवल 1 टेल्स ओनली मीन्स लोएस्ट पावर, ये आपको सिर्फ इन्फॉर्म करेगा, प्रोसेस को स्टॉप नहीं करता है। जैसे एक जेबरा क्रॉसिंग, आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आपको जेबरा क्रॉसिंग से ही पार करना है, व्हाट इफ अगर कोई उसको फॉलो नहीं करे तो, इसलिए इसे लोएस्ट रेटिंग दिया गया, मींस लोएस्ट पावर। आपको बताया तो गया है, विजुअल मैनेजर मींस आपको बताया तो गया है कि आपको जेबरा क्रॉसिंग से पार करना है, बट अगर कोई फॉलो नहीं करता है तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोसेस आपको नहीं रोक सकता। विजुअल मैनेजमेंट इन मेनी ऑर्गेनाइजेशन गेट्स स्टक एट द लेवल 1, अधिकतर ऑर्गेनाइजेशन में विजुअल मैनेजमेंट इसी लेवल रुक जाता है। साइन इज टेलिंग पीपुल व्हाट टू डू और नॉट टू डू, एज टेमिंग ऑब्जर्व दिस अमाउंट टू ब्लेमिंग द वर्कर बिकॉज इट सेपरेटली शिफ्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम सीनियर मैनेजमेंट टू फ्रंट लाइन वर्कर। हे आई टोल्ड देम नॉट टू डू इट, मीन्स क्या है, एक ब्लेमिंग करने का बस आपको ऑप्शन देता है। जो सीनियर मैनेजमेंट है उस लॉस का सारा ठिकरा किस पर फोड़ता है, जो ऑपरेटर है, मीन्स जो लोअर लेवल का पीपल है, कि मैंने तुमको ऐसा करने के लिए कहा था, तुमने नहीं किया इसलिए ऐसा प्रॉब्लम आया, या मैंने ऐसा तुमको नहीं करने के लिए कहा था फिर भी तुमने किया इसलिए प्रॉब्लम आया, ओनली ब्लेमिंग गेम। वॉट इज लेवल 2, समथिंग चेंजेस विच गेट्स योर अटेंशन, मीन्स कुछ तो ऐसा बदलाव आएगा जो कि आपको अटेंशन देगा। सपोज कि आप जेवड़ा को मे भी जानबूझ के आप जेवड़ा से पार दूसरी हो जगह होकर जेवड़ा को क्रॉस किए, मीन्स आप जेवड़ा को फॉलो नहीं किए, या ये भी तो हो सकता है कि आपने जेवड़ा पे ध्यान ही नहीं दिया कि वहां पे जेवड़ा क्रॉसिंग बनाई गई। तो लेवल 2 जो है वो आपका अटेंशन सीक करे। ट्रैफिक लाइट्स आर ए गुड एग्जाम्पल ऑफ लेवल 2 विजुअल मैनेजमेंट।
ट्रैफिक लाइट्स मतलब देखते हैं, रेड ग्रीन येलो होता है, रेड हुआ आपको रुकना है, ग्रीन हुआ जाना है, येलो हुआ गाड़ी को धीमा करना, मीन्स आपका अटेंशन तो सीख जरूर करता है, जरूरी नहीं है कि आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो ही करें। कई लोग ट्रैफिक लाइट्स रेड होते हुए भी सिग्नल को क्रॉस कर जाते, ये उनकी बदमाशी है। बट एटलीस्ट लेवल टू में आपका अटेंशन तो जाता है कि हाँ रेड लाइट है, हे द लाइट इज चेंज टू ग्रीन, वी कैन ड्राइव ऑन। लेवल टू हैज मोर पावर बिकॉज डन वेल इट वेक्स पीपल अप, मीन्स आपका अटेंशन जरूर लेता है, आदमी को जगाता है। इनफैक्ट लीन इज ऑल अबाउट वेकफुलनेस, वेकफुलनेस मीन्स आपको जागृत करना है, आपको बताना है क्या वेस्ट है। देखिए कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं है कि सिस्टम आपका वेस्ट को एलिमिनेट करेगा या सिस्टम आपका प्रोसेस को सुधारेगा, सिस्टम आपको सिर्फ बताएगा कि आप समझे कि वेस्ट कहाँ है, आपको मौका देगा सीखने का कि आप समझिए वेस्ट कहाँ है। बट वेस्ट की पहचान करना ये तो आपके हाथों में है, वेस्ट को एलिमिनेट करना आपके हाथों। मैं भी यहां आपको पढ़ा रहा हूं, सिखा रहा हूं, खुद भी सीख रहा हूं। आप इस चीज को अपने कंपनी में फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं ये तो आपके हाथों में। आप लीन के सारे टूल्स को सीख कर जानकर उसको अगर अपनी कंपनी में इंप्लीमेंट नहीं करते हैं तो कोई क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। तो सिस्टम आपको जगाता है, आपको नॉलेज देता है, आपको एम्पावर करता है। हे वी हैव ए प्रॉब्लम हियर, वी शुड डू समथिंग। मैं जब आपको सिग्नल मिला कि नहीं यहां पर कुछ प्रॉब्लम है तो हमको इसको करेक्ट करना है, दैट इज लेवल टू। चलिए अब आते हैं लेवल थ्री। लेवल थ्री इज अबाउट ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। इन मैन्युफैक्चरिंग हैविंग ए होम पोजिशन और से आवर टॉर्क रिंचेस and gauges ensure tools are there when we need them as important, and second we know when they are not there। means क्या है, suppose आपको एक bolt tight करना है, bolt tight करने के लिए आपको torque दिया गया है 135 newton meter। आप bolt tight कर रहे हैं, आप 140 भी कर सकते हैं, आप 160 भी कर सकते हैं, अगर आप just एलंकी और pipe का use करें 180 भी कर सकते हैं, आपको भी पता नहीं चलेगा। तो टॉर्क रेंज एक आपको ऐसा टूल दिया गया, मीन्स ये सिस्टम यहाँ पे देखिए लेवल थ्री में सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन हो। टॉर्क रेंज आपको ऐसा टूल दिया गया जिससे आप इंश्योर कर सकते हैं कि अगर 140 न्यूटन मीटर रिक्वायरमेंट है तो सारे के सारे बोल्ट 140 न्यूटन मीटर पे ही टाइट हो, ना कम ना ज्यादा। यहाँ सिस्टम इन्वॉल्वमेंट आ गया। मैन देखे मैन इंडिपेंडेंट होना यहां से चालू हो गया। गेजेस है, गो एंड नो गो बना हुआ है, आपको जस्ट चेक करना है, इंश्योर करना है जॉब जो बना है वो गो एंड नो गो के बिटवीन में, मीन्स विद इन द टॉलरेंस है। फाइवे सिस्टम है, गेज को रखने के लिए जगह बनी हुई है, तो आपको गेज को उसी जगह पर ही रखना है ताकि आपको पता चले आपके पास गेज है या नहीं है। सपोज आपका शिफ्ट एंड हुआ, सेकेंड शिफ्ट का ऑपरेटर आया तो उसको जब वो फर्स्ट जॉब चेक करने गया तो उसको पता चले कि गेज कहाँ है, वो अपनी जगह पे है या नहीं, कैसे पता चलेगा। तो ये सब आता है लेवल थ्री से। एंड लेवल फोर इज डिफेक्ट इज इम्पॉसिबल, मीन्स आपका प्रोसेस इतना रोबस्ट है कि डिफेक्ट प्रोड्यूस ही नहीं हो सकता है। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो प्रोसेस वहीं स्टॉप हो जाएगा। यहां पर आ जाता है जीरोका का कॉन्सेप्ट। लीन वेटरियंस विल रिकॉग्नाइज द पोका योगा कॉन्सेप्ट। यहां देखिए पोका योगा में एक फुल प्रूफिंग प्रोसेस है, जॉब है, आप उसको 360 डिग्री में कैसे भी रोटेट करके लगा सकते हैं, बट वहां एक लोकेटर दिया हुआ है और जॉब में एक लोकेटिंग होल है। अब आप जॉब को किसी भी तरह से दूसरे डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ जॉब को आप नहीं लोकेट कर सकते, दैट इज फॉर पोका योगा। पोका योगा जब हम लोग पढ़ेंगे इसका बहुत सारे एग्जाम्पल देंगे विद फिगर आपको बताएंगे तो आपको समझ में आएगा एक्चुअली हम कहना क्या चाह रहे हैं।
तो यहाँ क्या है, स्टेप वन डेवलप ए डीप ग्रैप्स ऑफ आवर प्रोसेस एंड पॉसिबल फेलियर मोड्स। पहले तो हमको अपने प्रोसेस के बारे में एक पूरी जानकारी होनी चाहिए, हमें पता चलना चाहिए कि कहाँ कहाँ फेलियर हो सकता है, और ये चीज समय के साथ सीखते सीखते आएगा। जैसे जैसे न्यू फेलियर होगा, हम न्यू फेलियर के बारे में जानेंगे और उससे रिलेटेड और क्या फेलियर हो सकता है उसके बारे में भी जानेंगे। जब हम समझेंगे कि क्या फेलियर हो सकता है, तभी हम फेलियर के अगेंस्ट एक्शन प्लान भी बना पाएंगे। इंस्टॉल डिजॉम्स एंड और प्रैक्टिस दैट मेक देम इम्पॉसिबल। ऐसे डिवाइसेस इंस्टॉल करें, मीन्स पोका योगा करें, जो कि उस फेलियर को इम्पॉसिबल कर दे या एटलीस्ट लोकेट होने ही नहीं दे। मीन्स आपका जॉब स्क्रैप होना तो बात की बात है, आपका जॉब गलत तरीके से फिक्चर में बैठे ही नहीं, आप उसका इंतजाम कम से कम करते हैं थ्रू प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग इज फुल ऑफ पोका योगेस सच एज अलार्म ऑन टॉर्क रिंचेस। टॉर्क रिंच में आपको एक, अगर आप यूज किए टॉर्क रिंच तो आप समझते होंगे जैसे डिजायर्ड टॉर्क पहुंचता है जो कि टॉर्क रिंच में सेट किया गया है, एक कट करके आवाज आती है, आपको पता चलता है कि मैं टॉर्क पहुंच गया है। मीन्स जो डिजायर्ड टॉर्क हमको चाहिए था वो हमें मिल गया है और टाइट करने की जरूरत नहीं। एंड इलेक्ट्रॉनिक लाइट्स एंड सेफ्टी मैट्स दैट डिसेबल द मशीन इफ ए टीम मेंबर इंटर्स द लाइन ऑफ फायर। मीन्स मशीन में कुछ ऐसे जोन होते हैं जो ऑटोमेटेड लाइन होते हैं, जहां अंदर जाने पे एक्सीडेंट होने का खतरा होता है, वहां पे देखेंगे सेफ्टी लाइट कर्टेन होता है। मीन्स अगर आप उस दो लाइट है, एक सेंडर है एंड सेकेंड वन एक रिसीवर, दोनों आपस में सिग्नल को ट्रांसमिट एंड रिसीव करते रहता है, और ये प्रोसेस सीपीयू के द्वारा मॉनिटर की जाती है। सपोज कीजिए आप दोनों लाइट के बीच से इंटर करते हैं फायर जोन में। फायर जोन मीन्स क्रिटिकल टू एक्सीडेंट जोन। मशीन ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी इमरजेंसी लग सकती है, या तो इमरजेंसी लग सकता है या नहीं भी लग सकता है, मशीन प्रोसेस एटलीस्ट स्टॉप हो जाएगी। प्रेस मशीन में कई बार ऐसा एक्सीडेंट देखा गया है कि उस पर जो वन हैंड पुश बटन होता था पहले, मीन्स ऑपरेटर एक हाथ से पुश बटन को जब प्रेस किया तो आपका साइकिल स्टार्ट हुआ। एंड ऐसे एक्सीडेंट हुए हैं पास्ट में कि ऑपरेटर का सेकेंड हैंड जो है वो जॉब के पास ही था, मीन्स एक्सीडेंट प्रोन जोन में था, ऑपरेटर ने मीन्स ध्यान नहीं दिया, उसका ध्यान कहीं और डाइवर्ट था, उसने उस बटन को प्रेस कर दिया, या दूसरा किसी ऑपरेटर के द्वारा गलती से या बदन के किसी पार्ट के द्वारा गलती से उस बटन प्रेस हो, क्या होगा, एक्सीडेंट होगा। तो अभी टू हैंड उस बटन सभी बड़ी कंपनियों में, जहां तक मैं देख रहा हूं, वहां सारे प्रेस मशीन टू हैंड उस बटन को ऐसे पोका योगा इंट्रोड्यूस किया गया। मीन्स आपका दोनों हाथ उस बटन को प्रेस करेगा और इंश्योर करेगा, मीन्स आपका बॉडी का कोई भी पार्ट मशीन के अंदर में नहीं। तो ये लेवल 4 के अंतर्गत आ, तो यहां पर हम लोग लेक्चर 4 को विराम देते हैं। लेक्चर 5 की शुरुआत हम लोग 5S के साथ करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल और बड़ा टूल है, कोशिश करेंगे एक या दो लेक्चर में उसको कंप्लीट करने का। तब तक के लिए साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलेंगे लेक्चर 5 में, तब तक के लिए धन्यवाद।